नमस्कार दगड़ियों, मैं हूँ विनीता बोरा बिटोलिया सज्जे से। मेरा आज का वीडियो है उन महिलाओं के लिए जो अपने घर से कुछ स्वरोजगार की शुरुआत करना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हेयर बैंड्स। ये जो मार्केट में काफ़ी बिकते हैं, लड़कियां औरतें इन्हें पहनना पसंद करती हैं। इसे बनाने के लिए चाहिए हेयर बैंड, कैची, टेप, इंच टेप। और इसके साथ वो कपड़ा जिससे हेयर बैंड को रैप करना चाहते हैं, मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। मेरा हेयर बैंड है 13 इंच का, तो मैंने इससे थोड़ा ज़्यादा काट के रखा है। ये है 19 इंच का समथिंग। तो अब आइए इसे सिलना शुरू करते हैं। मैं इसे उल्टी साइड से सिलते हैं। ये इसकी सिलाई पूरी हो गई। इसे मैंने लास्ट में बंद इसलिए किया कि इसे सीधा करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो अब इसे मैं सीधा करूँगी। किसी पेन या किसी नोकदार चीज़ की सहायता से इसे सीधा कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम अपने घर में अगर बनाएं तो अपने मनपसंद कपड़े से ड्रेस के साथ मैचिंग का भी बना सकते हैं। इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हेयर बैंड में लिया, हल्की सी एक गांठ लगाई और इसे इस तरह से लपेटते हुए जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कैंची से काट के अलग कर लेते हैं। और इस कोने को टेप से कवर कर लेते हैं। आप क्लॉथ टेप भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये फ्लावर मेकिंग वाला टेप है। मैं इसे रैप कर रही हूँ। अच्छी तरह से इस हिस्से को रैप कर लेते ताकि बार बार खुले ना, परेशानी ना हो। इस साइड रैप करने के बाद इसे दूसरी साइड भी बचे हुए कपड़े को काटेंगे। देखिए मैं इसे काटने जा रही हूँ। पहले पूरा सेट कर लेते हैं इसे हेयर बैंड में। अब ये जो कपड़ा बचा है इसे दूसरी साइड से काटते हैं। फिर इसे फिट किया हेयर बैंड में और फिर से इसे दूसरी साइड टेप से अच्छी तरह से रैप कर लिया। ये हो गया हेयर बैंड तैयार। अगर आप चाहें तो इसे अंदर की साइड ग्लू लगा के इसे अच्छी तरह से हेयर बैंड से चिपका सकते हैं। ना भी चिपकाएं तो भी ये ख़राब नहीं होगा। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा और इसे शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू।